तो भाई साहब जैसे ही मैंने अभी वीडियो बनाया एनिमल मूवी के ट्रेलर को लेकर कि इसका ट्रेलर भाई साहब पोस्टपोन होने वाला है, 21 नवंबर को नहीं आने वाला है। अब मेकर्स ही इसकी अनाउंसमेंट पता नहीं भाई साहब कब करेंगे, और वीडियो बनाया और डाल दिया गाइज, उसके बाद डायरेक्ट मेकर्स ने इंस्टेंट भाई साहब अनाउंसमेंट कर दी कि एनिमल मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर 23 नवंबर को आने वाला है। समझ रहे हो भाई क्या किस्मत है हमारे यहाँ पर। लेकिन भाई साहब मेकर्स ने अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो कर दी है, ऑफिशियली तरीके से बता दिया है कि एनिमल मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर भाई साहब हमें अब 23 नवंबर को देखने को मिलने वाला है। जैसा कि 21 नवंबर की अपडेट निकल कर आ रही थी, मैंने बता दिया आपको गाइस पिछली वीडियो में कि पोस्टपोन हो चुका है ट्रेलर भाई साहब, 21 नवंबर को अब नहीं आने वाला है। मेकर्स अब कुछ न्यू रिलीज डेट लाएंगे लेकिन इतनी ज्यादा भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो मेकर्स ने अब बता दिया है कि 23 नवंबर को भाई साहब एनिमल मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर आया है। लेकिन भाई एक मिस्टेक वापस मेकर्स ने कर दी, इसका रिलीज टाइम नहीं बताया। रिलीज डेट तो बता दी लेकिन भाई रिलीज टाइम मेकर्स हर बार नहीं बताते हैं। अब पता नहीं भाई साहब कब आएगा वापस से। लेकिन जितने भी अभी तक मटेरियल आए हैं भाई साहब एनिमल मूवी के, 10 11 या 12 के बीच में आए हैं, तो चांसेस है कि हमें 10 11 या 12 के बीच में ही ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसके रिलीज टाइम से लेकर कोई अपडेट गाइज निकल कर आती है तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। रन टाइम वगैरह भी मेकर्स ने नहीं बताया है, ओनली भाई साहब ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी है कि 23 नवंबर को आने वाला है एनिमल मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर। लगभग इसकी रिलीजिंग से गाइस 7 दिन पहले, मतलब कि मूवी की रिलीजिंग से 7 दिन पहले हमें एनिमल मूवी का ट्रेलर देखने को मिलने वाला है। भाई साहब 7 दिन पहले कौन करता है मूवी की रिलीजिंग से ट्रेलर लॉन्च, मूवी के बाद ही कर देते भाई साहब आप, मूवी की रिलीज हो जाती उसके बाद ट्रेलर ला देते हैं, मजाक कर रहा हूँ गाइज। तो गाइज हमें एनिमल मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर अब 23 नवंबर को भाई साहब देखने को मिलने वाले हैं। देखते हैं भाई साहब कैसा होता है ट्रेलर, मुझे तो उम्मीदें काफी ज्यादा है क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्टर है, तो कुछ मुझे टेंशन वगैरह नहीं है, जो वो मतलब बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, तो उसमें भाई साहब कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ भाई साहब थोड़ा मतलब मूवी का रन टाइम भी ज्यादा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बोर ना करे बस मूवी तो काफी अच्छा होगा। लेकिन देखते हैं भाई साहब ट्रेलर कैसा निकलता है, उम्मीदें काफी ज्यादा है गाइस संदीप रेड्डी वांगा से, रणबीर कपूर से, मतलब ओवरऑल सभी मेकर्स से एक्टर्स से भाई साहब काफी ज्यादा उम्मीदें हैं मूवी के लिए। तो अब देखते भाई साहब क्या होता है। और गाइज एनिमल मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर का रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जरूर आएगा, इसलिए भाई साहब क्या कर रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर रिव्यू देखना है तो, वरना भाई साहब मत करो, कर लो यार इन बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।